झांसी रोड के निकट अनाज मंडी में रविवार की सुबह लगी भीषण आग में कुल 43 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं घटना के दर्जनों घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं 43 मृतकों में से 28 बिहार के हैं, इनमें केवल उत्तर बिहार के 18 लोग शामिल हैं। वहीं मृतकों के बिहार स्थित घरों में कोहराम मच गया है। सर्वाधिक 9 मौतों समस्तीपुर के लोगों की हुई है। हालांकि दिल्ली की जिस फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड हुआ है, उस फैक्ट्री में मुरादाबाद के भी लोग काम करते हैं। दिल्ली की बैग बनाने वाली इस फैक्ट्री में काम करने वाले मुरादाबाद के कुरी रवाना गांव के रहने वाले इकराम, इमरान, शहजाद और समीर नाम के इन 4 लोगों का घटना के बाद कुछ पता नहीं चल पाया है। इन 4ों में से इमरान और इकराम को फैक्ट्री मालिक बताया जा रहा है। वहीं इमरान इकराम के भाई गुफरान ने बताया कि सुबह 3 बजे के करीब फोन आया तो बताया कि फैक्ट्री में आग लग गई है, हम लोग फंस चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। घर के कई लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं फैक्ट्री में काम करने वाले उसी गांव के शहजाद और समीर के परिजनों का कहना है कि फैक्ट्री में आग की सूचना इकराम और इमरान के घर से दी गई, ये लोग उन्हीं के यहाँ काम करते हैं, वहां क्या हुआ है उन्हें नहीं मालूम। शहजाद और समीर दोनों ही फैक्ट्री में बैग बनाने के कारीगर हैं। दुर्घटना में घायल लोगों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, हिंदूराव अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घायलों में दर्जनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बिलाल जी, क्या घटना हुई है, क्या पता लगा आपको? घटना सुबह लगभग 4:30 बजे यहाँ पर फोन आया है करमुद्दीन भाई का, तो वो वहाँ से आवाज आ रही थी, वो चिल्ला रहे थे, वहाँ से आवाज आ रही थी कि हमें बचा लो बचा लो बचा लो। कहाँ से? दिल्ली से फोन आया, वो वहाँ पे काम करते हैं, ठेले सिलते थे वहाँ पे, तो वहाँ से फोन आया, वहाँ से बराबर ही आवाज आ रही थी कि हमें बचा लो हमें बचा लो। तो उनसे पूछा गया आप बाहर को निकल जाओ, तो उन्होंने बताया कि एक ही जीना है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो उसके बाद उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बेल तो जा रही थी लेकिन फोन नहीं उठाया। क्या पता लगा अब आपको? वहाँ से बराबर हम फोन कर रहे हैं, काफी लड़के हैं यहाँ के, वहाँ पहुँच चुके हैं परिवार वाले, माता पिता भी पहुँच चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, दिल्ली पुलिस वहाँ पे अंदर नहीं जाने दे रही है उन लोगों को, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन से हॉस्पिटल में है। 5 हॉस्पिटल में वहाँ उन्हें पहुँचाया गया है, किसी की भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कौन कौन से हॉस्पिटल में कौन है। आपके परिवार के कितने लोग हैं? यहाँ के हमारे परिवार के 4 लोग हैं। क्या काम होता था, किसका कारखाना था? वो कारखाना तो था वहाँ किसी का, ये ठेके पे मतलब वैसे ही सीते थे, पर्सनली इनका निजी कारखाना नहीं था। परिवार के कौन कौन लोग हैं, क्या नाम? परिवार के एक तो इमरान भाई थे और एक इकरामुद्दीन थे और शहजाद भाई थे और नौशाद थे और कारीगर थे। कुछ पता लग पाया है किस स्थिति में है वो? अभी स्थिति का कुछ पता नहीं चल पा रहा, पूरा गांव इस स्थिति को जानने के लिए परेशान है, बार बार जानकारी ली जा रही है वहां से, तो कुछ लोगों को अस्पताल के बाहर रोक रखा है गेट पे, उन्हें जाने भी नहीं दिया जा रहा, पहचान भी नहीं कराई जा रही। कुछ लोग यहाँ से दिल्ली के लिए जा चुके हैं, दिल्ली के लिए यहाँ से लगभग 25 से 30 लोग सुबह ही यहाँ जैसे ही खबर मिली यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस गांव के कितने लोग हैं वहाँ पर? इस गांव के उस इलाके में जो इस घटना में है, जो जिनका पता नहीं चल पा रहा, वो तो 5 लोग है, बाकी इस गाँव के लगभग उस मोहल्ले के अलग अलग जगह पर काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 50-55 के लगभग है। कितने साल से ये लोग वहाँ काम कर रहे हैं? ये वहाँ पे हमारे रवाने के जो हैं कम से कम 20 साल से वहाँ पे काम करते हैं। तो ये किस लाइन में कारीगर हैं, मालिक? ये कारीगर हैं, ये जो हैं थैले सिलते हैं। अच्छा, आग आपको कुछ पता चला कि आग किस वजह से लग पाई? आग का तो किसी को पता ही नहीं चल पा रहा, ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था नीचे के फ्लोर पे, उससे आग लगी, उसी से आग ऊपर तक चली गई, उससे धुआं बहुत ज़्यादा निकला, प्लास्टिक का कारखाना भी था बीच में, जिसमें आग लगने के बाद बहुत ज़्यादा धुआं हुआ, बहुत से आदमियों को तो ये पता चला है कि दम घुटने से ही मृत्यु हो गई। अच्छा, उसके बाद उनसे कोई बात नहीं हो पा रही? किसी से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, बार बार फ़ोन कर रहे हैं जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा किसी का भी। गुफरान, जो दिल्ली में घटना हुई है वहाँ कौन कौन लोग थे, आपके क्या रिश्तेदार हैं? 2 भाई थे और गांव के लोग थे। क्या घटना हुई, क्या फोन पर आपको मैसेज आया था? 3:30 बजे के करीब फोन आया था, बोल रहा था कि आग लग गई और आग भी मतलब रास्ते की तरफ लगी है, निकलना मुश्किल है। फिर क्या बात हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, फोन लगा रहा है, फोन लग रहा है मगर कोई खबर नहीं मिल पा रही। अच्छा, क्या काम करते थे आपके भाई लोग वहाँ पर? थैलों का कारखाना था, सिलाई वगैरह कारीगर थे वहाँ पर जी। तो अब आपसे कोई फोन पे बातचीत हो पा रही है? नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा। कोशिश की आपने? जी बहुत।
अच्छा, घटना दिल्ली में हुई है, ये गांव रवाना है, कुछ लोग यहाँ से रवाना हो गए वहाँ के लिए? जी। कौन कौन गए आपके यहाँ से? मम्मी पापा है और वो है खाने और कुछ पहुँच चुके हैं कुछ उनसे? तो उनसे मैसेज मिला है? मैसेज मिला है, ढूंढने में लग रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है अस्पताल में। अस्पताल के बाहर ही रुके हुए हैं अभी वो भीड़ में। वो कितने लोग हैं आपके भाई समेत वहाँ, कितने लोग फंसे हुए हैं? 5 लोग हैं। और टोटल कितने लोग काम करते थे जो? टोटल अभी 5 ही थे। राधा नन्ना नन्ना का नाम। क्या काम करते थे? इनके कारखाने में सिलाई। सिलाई का काम। तो कोई फोन आया, क्या हुआ वहाँ, कुछ पता चला आपको? कल आए थे उसके 4 फोन, आज तो कोई आया ही। तो वहाँ कोई घटना हो गई कुछ पता चला आपको? तो कोई कोई नहीं पता चला आपको, किसी तरीके का कोई फोन कुछ नहीं? फोन हो कुछ नहीं। नन्ने क्या काम करता था वहाँ पर? ये थैले से था। किसकी फैक्ट्री थी, किसका था, क्या था? इनकी है, दिल्ली में इनकी। तो कितने साल से वो वहाँ रह रहे थे नन्ने? कितने साल से वहाँ पर थे? वो कभी चला जाता था, घर भी जाता था, तो उसे 2 महीने हो गए थे लगातार वहीं। तो कल से आज तक कोई बात नहीं हुई नन्ने से आपकी? हाँ, कल 4 फोन। आज कोई बात नहीं हुई? कल क्या बात हुई थी नन्ने से? कल मेरी तबीयत खराब चल रही ना, तो वो बस मेरी तबीयत की दूर कर रहा था, माँ तेरी तबीयत कैसी है, उसके बाद कोई बात नहीं। कोई 2-1 महीने हो गए उसको, 2 महीने। तो क्या ये सारे लोग इकट्ठे हैं, कोई वहाँ से फोन आया, कोई घटना हो गई वहाँ पर? हाँ, ये फोन कर रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा हमें। लेकिन पता क्या चला आपको वहाँ पर कि क्या हुआ? पता तो बस यही चला कि वहाँ पे आग लग गई। हमारे ये चच्ची के लड़के रहते हैं, तो इन्होंने एक फ़ोन करा था कि आप बाबू हमें बचा लो, हमारे जो फैक्ट्री में आग लग गई है। तो वहाँ से बस उसके बाद हमें कोई खबर नहीं मिली। अच्छा, कुछ लोग यहाँ से गए हुए हैं उनके? हमारे घर से, हाँ, ये सब गए हुए हैं। कितने समय से अभी आपका लास्ट बार कब आया यहाँ पे आखिरी बार? अभी वो तो ईद पे आके गया नहीं था, अब गया था बस वो। अच्छा, जैसे अम्मा जी बता रही कल बातचीत हुई थी, क्या आपकी भी बातचीत हुई? नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। सुबह से कोई मैसेज नहीं किसी भी तरह? सुबह से फ़ोन लगा रहे थे हम, उसका फ़ोन तो लग रहा था लेकिन किसी ने उठाया नहीं। किस चीज़ के कारीगर थे वो? बस यही थैले बनाते थे। शादीशुदा है? नहीं, कुंवारा। खदीजा। समीर कौन है आपका? मेरा बेटा। क्या काम करता है समीर? दिल्ली में रहता था कारखाने में। क्या काम करता था वहाँ पर? थैले सीवर था। तो कितने साल से वो काम कर रहा है? मुझे तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया। परिवार में कौन कौन है उसके साथ? कोई नहीं, इकला हो तो। अभी शादी नहीं हुई उसकी? शादी नहीं हुई अभी। तो कोई खबर आई, कोई मैसेज आया वहाँ से, क्या हुआ वहाँ पर? किसी रंग की कोई बात नहीं अभी। कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं पता चला? कुछ पता नहीं चलिया, कुछ भी। पता करने की कोशिश की आपने? बहुत कोशिश करी, वो पता नहीं चलिया बिल्कुल भी। नहीं, समीर पे फोन होगा, फोन कर उस पर फोन ना है मेरे बेटा का। नहीं है ना। तो क्या पता चला वैसे आपको, क्या हुआ वहाँ पर कुछ? अब जिनका घर काम कर रहे हैं कारखाने में, उनसे खबर मिली थी ना, आग लग गई वहाँ। किसने बताया आपको? कारखाने मालिक जो है उन्होंने बताया आपको? हाँ, वो तो लेबर थी, वो तो काम करते रहे वैसे। इसके अलावा अभी आपको और कोई खबर नहीं है? अभी कुछ खबर नहीं है जब से। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।